20 जनवरी को लाहौर में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें 3 अफराद जान बहक हुए थे, उससे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को काफ़ी एक्टिव कर दिया है। वो ये नहीं चाहते कि फिर से एक बार पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हरकत में आएँ। इसी स्टोरी में भी रीसेंट डेवलपमेंट अगर हम देखें तो हमें पता चला है कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, जिसके तहत लाहौर को एक स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और लाहौर के अंदर 8000 कैमरास जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जिनको हर वक्त मॉनिटर किया जाता है, ताकि इससे जो मेन पर्पस था इसको करने का भी ये था कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सके, उस पर नज़र रखी जा सके और जैसे ही कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आए तो उसके ऊपर बर वक्त काबू पाया जा सके। लेकिन यहाँ पे अफसोस करदा बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो अभी हुई और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जब इस बॉम्ब ब्लास्ट के सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से रब्ता किया तो मालूम ये हुआ कि एटलीस्ट 30% ऑफ द सीसीटीवी कैमरास वो उस वक्त हरकत में नहीं थे। अब इससे हमें फिर से ये मालूम होता है कि गवर्नमेंट की नाकामी यहाँ पर भी नज़र आती है कि जब कोई चीज़, जब कोई संगीन एक्टिविटी सामने हो तो हमें पता चलता है कि अच्छा कोई चीज़ ख़राब है और उसको ठीक करना है। जब तक इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, जब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और चीज़ें ख़राब हैं तो उसको ख़राब ही रहने दिया जाता है। और ये चीज़ें अब तो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब ने इतने वादे किए थे कि वो आएंगे और ये सब ठीक करेंगे और उनकी हुकूमत में इस तरह की नाअहली नाकामी कोई भी नहीं कर सकेगा, लेकिन हमें पिछली हुकूमतों और इस हुकूमत में कुछ ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि लाहौर के जो अभी हालात हैं उससे तो लगता है कि शायद पहले वाली गवर्नमेंट ही काफ़ी बेहतर थी। लेकिन अब यहाँ पे जो मेन डिस्कस करने वाली बात ये है वो ये कि लाहौर अनारकली मार्केट में होने वाले इस बॉम्ब ब्लास्ट में एक प्राइवेट वहाँ पे मार्केट का कैमरा था जिसने कि उन सस्पेक्ट्स को दिखाया, लेकिन कोई भी सरकारी उस पूरे एरिया में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से लगाए गए कैमरास वर्क नहीं कर रहे थे। ऑफिशियल्स का ये कहना है कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी में बुरी तरह से फेल हो चुकी है और उनकी जो जिम्मेदारी थी वो उसको अदा नहीं कर पा रहे, बिकॉज जो मेन पर्पस था वो सिर्फ चालान करना नहीं था बल्कि वो इन एक्टिविटीज़ को रोकने का था। यहाँ पे एक और बात बताते चलूँ कि 101 4G टावर्स लगाए गए हैं इन CCTV कैमरास को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें से 2 बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे और ना ही उनमें बैकअप फैसिलिटी किसी में भी मौजूद नहीं है। यानी अगर कोई भी टावर किसी टेक्निकल रीज़न से बंद हो जाता है तो उसमें बैकअप फैसिलिटी मौजूद नहीं है। अगर हम फर्दर इस लाहौर स्मार्ट सिटी के कैमरास की बात करें तो ये पता चला है कि 8000 कैमरास में से सिर्फ 2000 कैमरास हैं जो इस वक्त फुली फंक्शनल हैं। इसके साथ साथ जो पंजाब पुलिस की इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 है उसमें भी बहुत सी मुश्किलें और टेक्निकल इश्यूज हैं जो फेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं कि वो पुलिस से बरवक्त रब्ता नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोस वाली बात तो है ही है, लेकिन बहुत परेशान कन बात भी है क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन किसी भी वक्त आ सकती है और किसी भी वो टेररिज्म की शक्ल में हो वो या कोई लोकल क्राइम हो वो कभी भी इंसान को फेस करना पड़ सकता है। तो ये सारे टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व होना चाहिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को, सरकारी अफसरों को और पुलिस को ये चाहिए कि वो किसी बड़े हादसे का होने का इंतज़ार ना करें, बल्कि अपनी ड्यूटी सही से अदा करते हुए इन सारे मसले मसाइल को एक्टिवली प्रोएक्टिवली सॉल्व करें, ताकि किसी भी बड़े जुर्म से, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को उसके होने से पहले ही रोका जा सके।